ये कानून को लेकर रायपुर में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध के बाद रैली भी निकाली। उन्होंने आरोप लगाते हुए सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। देश में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, आर्थिक मंदी छाई हुई है, लेकिन सरकार अनाप शनाप कानून बनाकर देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नहीं, लोगों को लड़ाने के लिए, ताकि उसकी राजनीति सिक्योर रहे। जिस तरीके से सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर वो लोग इसके पहले सत्ता में आए हैं, उसी प्रकार दोबारा से सत्ता में आए और लोग जो है अपने जो जीवन के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर लड़ाई ना कर पाए, वो जो जीवन के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आंदोलन करना, संगठित होना, ये वो लोग ना कर पाए, इसके लिए लोगों को भटकाने के लिए ये सब साजिश और योजना चल रही है। एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आए हैं। अभी ये प्रदर्शन के बाद हम लोग रैली भी करेंगे। ये जो एनआरसी और सीए लाया गया है, ये नागरिकों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए तुरंत ज्वलंत का मुद्दा नहीं है कि इसको लागू किया जाए। अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा में जो सुधार होने चाहिए, शिक्षा के सुधार नहीं हो रहे हैं।